नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपनी कंप्यूटर लैपटॉप में पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। दोस्तों आज हम आपको बिना इंटरनेट या बिना पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट किए पीडीएफ फाइल को एडिट करना बताएंगे एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट कराकर। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे पास फाइल एक व्हाट इज़ कंप्यूटर, हम इसको ओपन करते हैं तो इसकी फाइल देखिए राइट बटन क्लिक करके पीडीएफ फाइल है, ठीक है। तो आपको सामने दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट पीडीएफ एंड हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई एडिट नहीं कर सकते इसके अंदर क्योंकि अभी हमारी एडोब रीडर वाला इसमें है नहीं है। तो यहाँ पर ये ब्राउज़र पर ओपन हुई है ये फाइल, ठीक है। तो हम सिंपल सा पीडीएफ फाइल में एडिट नहीं कर सकते। अब पीडीएफ फाइल में एडिट नहीं कर सकते तो बहुत से लोग कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ टू वर्ड, तो हम बिना कन्वर्ट किए ही आपको बताएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल से इस पर राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करके बाद ओपन विथ पर जाना है। ओपन विथ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर चूज अनदर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एंड अगर आप यहाँ पर एमएस ऑफिस या फिर सॉरी विंडोज़ आप 7 चला रहे हो तो वहाँ पर मोर पर क्लिक आएगा, आपको मोर पर करना है। या हम विंडो 10 चला रहे हैं तो इस तरह से ये फंक्शन आ रहा है, फंक्शन कुछ चेंज हो जाएंगे। बस आपको राइट बटन क्लिक करके ओपन विद में सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है जिस पे आपको ये फाइल ओपन करनी है। तो हमें बर्ड में करनी है, सिंपल से हम बर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड बर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही हम इस पे ओके करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल बर्ड के अंदर ओपन हो जाएगी। बस इसको थोड़ा आपको समय लगेगा, इसमें थोड़ी प्रोसेस होगी। सिंपल से हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ फाइल ओपन हो रही हैं, पर तो यहाँ पर इनको आपको उठाना है, ठीक है। इस तरह से पॉपअप आते रहेंगे आपके क्योंकि फाइल आप ओपन कर रहे हो पीडीएफ की। एंड यहाँ पर अभी एडिटिंग इनेबल, यहाँ पर फंक्शन इनेबल नहीं होंगे, ऊपर फंक्शन दिखाएगा एडिट इनेबल एडिटिंग का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर ये फंक्शन सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और आप इसे एडिट कर। अब दोस्तों यहाँ पर आप विंडोज 7 चलाएंगे या एमएस ऑफिस का 10 वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इस तरह ही ओपन करना है। फाइल पर राइट बटन क्लिक करोगे उस फाइल को एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में ओपन कर जिस तरह हमने किया है। अब दोस्तों आप इनको आप क्या करना है, आपको कुछ एडिट करना है, कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। किसी में कलर देना है तो आप कलर दे सकते हो यहाँ से। फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर सभी प्रकार के फॉन्ट हैं, है ना। एंड यहाँ पर आपको इटालिक और बोल्ड आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, इटालिक करना है। इटैलिक के बाद और भी आपको जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई भी कर सकते हो आप, ठीक है। अलाइजन कर सकते हो, लेफ्ट राइट बुलेट्स लगाना है पर्टिकुलर किसी उसमें तो आप बुलेट्स भी लगा सकते हो यहाँ से, ठीक। एंड यहाँ पर काफ़ी जो आपको एडिटिंग लग रही है आप वो कर सकते हो क्योंकि आपके जो पीडीएफ फाइल में एडिटिंग यहाँ पर टूल्स तो होती नहीं है, ठीक है। तो हम उन वहाँ पर हम उस फाइल को एमएस वर्ड के अंदर खोलकर अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है एडिटिंग वो पूरी कर लेते हैं। एंड टेबल आपको डालना है तो टेबल से रिलेटेड फंक्शन मिल जाएंगे, है ना। एंड डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको, डिज़ाइन आपको करना है यहाँ पर, शेप आपको इंसर्ट करानी है, इमेजेस इंसर्ट करानी है, आप यहाँ से करा सकते हैं आसानी से। लेआउट है, यहाँ पर लेआउट में आप कर सकते हैं, इसमें कुछ आपको और परिवर्तन करना है
ठीक है। सो काफ़ी तमाम फंक्शन है जो एमएस वर्ड में आप उपयोग कर सकती। अब दोस्तों आपने एडिटिंग तो कर ली, अब आप चाह रहे हो कि ये फाइल मैंने एडिटिंग करने के बाद मुझे यहाँ पर इसको दोबारा पीडीएफ में सेव करना है। यहाँ पर मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ, अगर आप एमएस ऑफिस 10 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पीडीएफ फाइल का सेव करने का और फंक्शन रहता है 16 और उससे ऊपर का आप वर्जन यूज़ कर रहे हो एमएस ऑफिस का, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल का सेव फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ 16 यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे एंड सेव इस पर क्लिक करेंगे। सेव इस पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर ब्राउज़र में एंड यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर अपनी फाइल सेव कर देंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर, यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने चेंजेस किए पीडीएफ में, अब वो फाइल तो सेव नहीं होगी तो हमें नई फाइल यहाँ पर सेव करनी होगी। सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे। पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, पीडीएफ व्हाट इज़ कंप्यूटर पीडीएफ मॉडिफाई फाइल। ठीक है, एंड यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, अब आपकी जो आपने एडिट की है एमएस वर्ड की पूरी एडिट हो चुकी है, अब हम इसको बंद कर देंगे एंड यहाँ पर आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, आप सेव नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर नहीं भी कर सकते, जो भी आप पर डिपेंड करना है वो आपको करना है। एंड यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, देखिए ये फाइल है, हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर चेंजेस किए हैं, यहाँ पर चेंजेस आ गए। ठीक है, अब ये पीडीएफ फाइल है, आप जो भी आपको यूज़ करना है उस जगह कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि अगर आप 7 यूज कर रहे हो तो फिर आपको पीडीएफ फाइल सेव कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल से इस फाइल को वर्ड में ही सेव करना है, जैसा कि हम यहाँ पर वर्ड में सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम ब्राउज़र में जाते हैं और इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं, तो ये कर देते हैं एडिट पीडीएफ, एडिट पीडीएफ। ठीक है, एडिट पीडीएफ करने के बाद एंड यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं एंड अब क्या होगा, इस हम फाइल को यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 10 तो नहीं, हम पीडीएफ में सेव नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे वर्ड टू पीडीएफ। सिंपल से हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर थी हमारी डेस्कटॉप फाइल व्हाट इज कंप्यूटर पीडीएफ एडिट। ठीक है, इसको इंसर्ट कराएंगे। एंड यहाँ पर इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, देखिए नीचे डाउनलोड हो चुकी है। हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड में इस फाइल को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसका देख भी सकते हैं, इस फाइल को यूज भी जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एमएस वर्ड के अंदर पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 7 यूज कर रहे हैं तो इस कंडीशन पे आप पीडीएफ फाइल बनाएंगे, सिर्फ चेंजेस करेंगे, और अगर आप 10 यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली बना सकते हो पीडीएफ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।